Hey guys, do not forget to subscribe and hit the bell icon for ongoing updates on this channel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे नियो और आपका स्वागत करता हूं व्लॉग्स बाय नियो चैनल पे। चलिए दोस्तों, आज मैं वापस आ गया हूं अपने व्लॉग्स पे। मेरा तबीयत थोड़ा बेहतर है अभी और सब आपकी आप लोगों की दुआ है। आई वुड लाइक टू थैंक स्पेशली मनु और रोहित भाटिया जी, जिन्होंने मेरी तबीयत के बारे में और मेरी बेहतरी के बारे में उन्होंने लिखा था मेरे एक कमेंट्स पे। एंड थैंक यू सो मच रोहित जी और मनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं वापस आया हूँ, बस एक दांत निकल चुका मेरा शरीर से अभी, वो जो मेरे इतने सालों से मेरे साथ था। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी दर्द थोड़ा कम है, अभी पेन किलर ले रहा हूँ मैं, बिकॉज़ वो हील होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और ये था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा दांत, तो आप अगर इसको फोकस कर सकते हो, देख सकते हो तो देख लीजिए, ये था मेरा दांत। तो देखिए आपने, इधर मसूड़े एक्चुअली सड़ चुका था ये, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको निकाल दीजिए पूरा। इनवेज अभी वो निकलने के बाद दर्द बहुत कम है मुझे, बस वो हील होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा मेरा, जो 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 जहाँ से निकाला गया, तो डॉक्टर ने बोले एक हफ्ता तो लगेगा, लेकिन आई फील बेटर। पेन किलर के बाद मेरे को अभी पेन पहले जो होता था उससे बहुत कम है। आज का व्लॉग जो है बेसिकली हम बात करेंगे, मेरा एक सब्सक्राइबर है मनु जी, मनु जी को किसी ने बताया कि बेहरिंजर से अच्छा फोकस राइट क्या बोलते हैं साउंड कार्ड है और उसका आवाज़ ज़्यादा अच्छा है, रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो मैं ये कन्फ्यूशन क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों से, मनु जी आपका जो बजट था उस टाइम पे, आपने आपका बजट से आपने बेहरिंजर ले लिया होगा शायद, और उस बजट के हिसाब से मुझे तो लगता है कि यार आपको अच्छा साउंड कार्ड मिला है। ऐसा कुछ नहीं कि फोकस राइट सबसे अच्छा है या बेहरिंजर सबसे अच्छा है, वो सब आपका एक लोगों का एक वहम है, क्योंकि जब ब्रांडिंग करके वो लोग जब बेचते कुछ तो उसके हिसाब से वो लोग लगता है कि हाँ हाँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि अच्छा नहीं होगा या बुरा नहीं होगा, लेकिन हाँ क्वालिटी वाइज अच्छा होगा, थोड़ा बहुत साउंड क्वालिटी में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। लेकिन मैं एक बात बताऊँ तो यार, मैं बेहरिंजर अभी तक जो यूज़ कर रहा हूँ, मेरे स्टूडियो में अभी 12 साल चल रहा है अभी, ये 12 सालों में, इन 12 सालों में मेरा जो मेन मिक्सर है जो आप लोगों को दिखाया था मैंने, बेहरिंजर X32, अभी तक हम लोग वही यूज़ कर रहे हैं, ना कोई कंप्लेंट है। उससे बड़े बड़े मिक्सर है जो बहुत ही महंगा है, जैसे अविट का मिक्सर हो गया, SSL हो गया, ये सब मिक्सर हमारे पास नहीं है, फिर भी हमारे क्लाइंट्स बहुत खुश है। ये सब आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको रिकॉर्डिंग करते हैं, और आपका जो हुनर है उसके ऊपर है कि आप क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस दे सकते हो आपके क्लाइंट्स को। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, सिंपल एग्जांपल है, इफ़ योर हैंड राइटिंग इज़ बैड नेवर ब्लेम अ पेन, मतलब अगर आपका हैंड राइटिंग ख़राब है तो आप पेन को ब्लेम ना कीजिए, समझ गया। इसका मतलब यह है कि अगर आप गिटार खेलना जानते हो तो मैं आपको कोई भी गिटार दे दूँ, आप उसमें से अच्छा धुन और सुर निकाल सकते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा गिटार इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है वो नहीं है। हाँ, अगर गिटार ख़राब है तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन गिटार इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है वो नहीं है, धुन तो धुन ही है जो निकलना ही है। थोड़ा बहुत वुड का वो कार्विंग होता है, वो होता है, वो सब फ़र्क पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी धुन तो धुन ही है, जब हम सुनते हैं बहुत प्यारा मीठा लगता है। सेम उसी की तरह आपके पास अगर एक बेहरिंजर का साउंड कार्ड है या मिक्सर है, और अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, हमें तो सॉफ्टवेयर यूज़ ही करना है। अभी आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैं ऑडासिटी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ या मैं अडोबे ऑडिशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप क्यों ना अपने दोस्त लोग से पूछ लीजिए, चलो एक आपको ये बताता हूँ, जिन्होंने भी आपको ये नुक्स दिया कि हाँ फोकस राइट का क्वालिटी अच्छा है, इसका क्वालिटी अच्छा है, आप किसी से भी उधार ले लीजिए, किसी से एक दिन के लिए रिकॉर्डिंग कर लीजिए फोकस राइट से, और आप बेहरिंजर से भी रिकॉर्ड कर लीजिए मनु जी, और उसके बाद थोड़ा बहुत आप पोस्ट में एडिटिंग करके आप सुना दीजिए उनको, कि उनको बताइए, नहीं तो 5 मिक्सर में से या 5 साउंड कार्ड में से, डिफरेंट साउंड कार्ड में से आप रिकॉर्डिंग करके बता दीजिए, इसमें से कौन सा बेहरिंजर है, कौन सा फोकस राइट है, कौन सा ये है, कौन सा वो है, कोई भी नहीं बता सकता। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई अगर बता दे, कोई भी नहीं बता सकता फोकस राइट का साउंड कौन सा है या बेहरिंजर का साउंड कौन सा है। बाद में आप पोस्ट में जब काम करेंगे, एडिटिंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, सब चेंज होने वाला है। तो आप कभी भी ये वहम आपका दिमाग से निकाल दीजिए, किसी ने ऐसा बोल दिया मनु जी कि हाँ यार फोकस राइट तो बहुत अच्छा है, वो थोड़ा उसको आपको और 200 दिरहम, मतलब बोले तो 3-4 हज़ार रुपये और ज़्यादा देना पड़ेगा फोकस राइट के लिए। उसका मतलब ये नहीं कि यार आपने अच्छा साउंड मिल गया 4 हज़ार दिरहम में, 4 हज़ार रुपये में,
ऐसा कुछ नहीं है मनु जी, जो आपके पास है अभी आप उससे संतुष्ट रहिए और उसी से काम कीजिए, और आपका जो एजुकेशन लेवल है सीखने का साउंड के बारे में उसको बढ़ाइए, उस पर ध्यान दीजिए। दूसरा लोग कुछ भी बोलेंगे, पांच उंगली बराबर नहीं होता मनु जी, ये आदमी कुछ बोलेगा, ये आदमी और कुछ बोलेगा, ये आदमी और कुछ, किसी को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। आप संतुष्ट रहिए, अगर आप संतुष्ट रहेंगे तभी जाके आप और सीख पाएंगे और आप कुछ और कुछ कर पाएंगे। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, एक छोटा सा व्लॉग है। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको भी और अपना रोहित भाटिया साहब को भी कि थैंक यू, मेरे तबीयत के बारे में आप लोगों ने दुआ किया और मैं खुश हूँ, अभी ठीक हूँ, मैं खुशहाल हूँ, इसलिए मैं आना सोचा कि आज आपको स्पेशली आप दोनों को मैं थैंक यू कर दूँ और ये व्लॉग पे डाल दूँ। और मनु जी आपके लिए स्पेशली मैं ये नुक्स बोल दिया कि हाँ, आप आपके पास बहरेंजर है तो बहरेंजर से काम कीजिए, आगे जाके अगर खुदा ने चाहा तो पैसा बढ़ेगा बढ़ेगा तो आप और बना सकते हैं और कुछ भी खरीद सकते हो, उससे भी अच्छा, मतलब बिल्ट क्वालिटी बोल रहा हूँ मैं, बाकी क्वालिटी तो आपका कान है, आपके कान के ऊपर है, साउंड इंजीनियर का काम ही कान है, कान से सुनना और उसका क्वालिटी देना, तो बाकी आपके ऊपर है। तो कभी भी दूसरे लोग के इस पे मत जाइए। हाँ, ये नहीं कि बहरेंजर से नीचे कौन सा क्वालिटी, ऐसे बहुत सारे साउंड मिक्सर्स है यार हमारे पास अवेलेबल, तो बहुत कुछ है। अभी हम मार्केट में भी जाएंगे, अगर टूथब्रश भी लेना है तो कौन सा टूथब्रश आप लेंगे? आप बोलेंगे ये सबसे अच्छा है, वो सबसे अच्छा है, काम तो वही करना है यार। गाड़ी लेना है, हाँ देखो अभी आप गाड़ी ले, मर्सिडीज खरीद लीजिए या टोयोटा खरीद लीजिए या ह्युंडई खरीद लीजिए, पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपको पहुँचना है, एक मंजिल पर आपको जो पहुँचना है, चाहे आपको महंगा पहुँचना है उस गाड़ी पर या सस्ता पहुँचना है, वो आपके ऊपर है, लेकिन आप पहुँचेंगे उस मंजिल पर कैसे भी हो। फिर वो मंजिल में पहुँचने के बाद आप आगे का सोचिए। तो मैं इतना ही बोलता हूँ कि आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, और अगर आपको काम आता है तो कीजिए काम, नहीं तो हम भी सीखेंगे आपसे, आप भी हमसे सीखीजिए और हम डालते रहेंगे वीडियोस। बस अपना काम पे ध्यान दीजिए मनु जी। और रोहित साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कारण आज हमने बस चैनल भी पूरा हिंदी कर दिया, और मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको कि आपने मेरा देसीपन जो है बढ़ा दिया। अभी बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं इंग्लिश बोल के डाल रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं इंग्लिश में वापस नहीं जा रहा, कभी कभी करूँगा व्लॉग्स में इंग्लिश में, मेरे दूसरे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो उनको भी मैं नाराज़ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ हिंदी में सबसे ज़्यादा करूँगा। ये इसका क्रेडिट आपके लिए जाता है रोहित साहब, बिकॉज आपने सबसे पहले डाला था देसी प्लीज़, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार डाला आपने, तब जाके हमारा दिमाग बदला कि हाँ आप कुछ सीखना चाहते हैं। तो हाँ, अभी पेश करेंगे हम आपके लिए, ये हफ़्ता पूरा हम लोग बहुत ही मेहनत करेंगे और वीडियोस बनाएंगे, FL स्टूडियोज़ का भी वीडियोस आने वाला है और मिक्सिंग मास्टरिंग का भी वीडियोस आने वाला है, और मेरे स्टाफ से भी मिलाऊंगा मैं आप लोगों को। बाकी सब इधर दुबई में हम लोग खैरियत से हैं, आपका ख्याल रख लीजिए, और हाँ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, दिस इज़ DJ Neo साइनिंग ऑफ।